ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਸਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਛ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਰਡ ਪੀਟਰਸ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ CSIR ਭੋਪਾਲ ਸੇ ਹੂੰ। ਔਰ ਹਮ ਲੋਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮ ਲੋਗ CSIR ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸਕੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਗ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਲੇਜਸ ਅਡੈਪਟ ਕੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਾਲਕੋਟ ਮੇ, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में, और वहाँ पर उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम दो ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। उनको हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उस एरिया के रूरल डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी हम अडेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा सीसल, थोड़ा सा बताएं कि किसान जो पंजाब के किसान है किस तरह से इससे फायदा ले सकते? हाँ, ये सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके लिए क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये एगेव सीसलाना, ये प्लांट का लीव्स है एगेव सीसलाना। ये प्लांट इजीली वेस्टलैंड एरिया में ग्रो कर सकता है, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही फर्टाइल जमीन की जरूरत पड़ती है। और ये एक एक हेक्टर जमीन में ये 10,000 पौधे लगा सकते हो, तो एक से डेढ़ साल के अंदर में ये प्लांट ग्रो हो जाता है और होने के बाद उसकी आप लीव्स काट सकते हो। और काटने के बाद में हम लोगों ने एक रेस्पिरेटर मशीन डेवलप किया है, उस मशीन के अंदर में इसकी लीव्स आप डालते हो और ऐसे बाहर निकाल देते हो, तो क्या है कि ये इसका फाइबर इस तरीके से बाहर आ जाता है। विद इन 2 मिनट्स यू आर गेटिंग द फाइबर। एक बार आपको फाइबर मिल गया तो उसको आप वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद में आप इसको सुखाएंगे तो ये इस तरीके से क्या है कि व्हाइट कलर हो जाता है। इसमें आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, सब कलर इसमें लग जाता है। उससे हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है। और इस तरीके से क्या है कि ये डॉल है, ये डॉल भी बनाया है। तो गांव वालों ने इस चीज को बनाया है और इसको वो लोग बेच रहे हैं और इससे उनको इनकम हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कपड़े भी बनाए हैं, ये कपड़ा भी बनाया है, रस्सी बनाई है, ये रस्सी भी है, देखिए रस्सी बनाया है, कपड़े बनाए हैं। और इस कपड़े का इस्तेमाल हम अपने कॉम्पोजिट मटेरियल के लिए करते हैं। ये कॉम्पोजिट मटेरियल हम मार्बल वेस्ट को लेकर के हमने बनाया है, इसके बीच में ये कपड़े का इस्तेमाल हुआ है ताकि रीइंफोर्समेंट हो सके इसका, तो ज्यादा मजबूत बन सके। तो ये कपड़े का भी इंडस्ट्रियल यूज है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि सीसल की जो एक्टिविटी है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हैंडीक्राफ्ट आइटम के साथ साथ क्या है कि आपका इसका कॉमर्शियल यूज है, आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं और इससे क्या है कि हमारा कॉम्पोजिट मटेरियल भी बनता है, इससे उनको कंटिन्यूसली रोजगार मिलता है। किसान ने इसको उगा तो लिया, लेकिन इसके बाद ये कैसे बनेगा, इसके लिए उनको कौन? हम लोग एम्प्री CSIR भोपाल हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो हमसे क्या है कि ट्रेनिंग ले सकता है। हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद में वो क्या है कि उनको हम लोग प्लांटेशन करने का, उससे क्या है कि रेस्पिरेटर मशीन से फाइबर निकालने का, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने का, रस्सी बनाने का, धागा बनाने का, उन सब का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं ताकि क्या है कि वो अपना भी रोजगार चालू कर सके और उनका जो वेस्टलैंड एरिया है जहां उन्होंने पौधे लगाए हैं तो उसका वो फायदा हो ले सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सी जगह, जमीन किस तरह की चाहिए, किस तरह की जमीन पर ये हो सकता है? इसके लिए ज्यादा फर्टाइल जमीन की जरूरत नहीं है,
ना ही ज्यादा पानी की जरूरत है, क्योंकि ये ज़ीरोबेटिक प्लांट है ये, तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो जहां भी जरा भी मॉइस्चर कंटेंट है तो वहां पर क्या कि ये इजीली ग्रो हो जाता है। एक बार ग्रो हो गया तो वो आराम से क्या कि 1.5 साल में वो अच्छे आपको लीव्स देने शुरू कर देगा। इसको अगर हम बात करें तो देख रेख कैसी होगी, क्या एक बार लगाने के बाद इसको बाद देखना नहीं होता, सिर्फ पानी देना होता? जी हाँ, इसको कोई कैटल भी नहीं खाता है, कोई जानवर भी नहीं खाते हैं ये, और इसमें कांटे भी लगे रहते हैं तो जानवर भी नहीं खाता है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये आराम से क्या कि ग्रो होता है, इसका कोई इसको वेस्ट नहीं करेगा, कोई इसको बर्बाद नहीं करता है। जैसे कि बताया कि आपने 10,000 पौधे लग सकते हैं एक हेक्टर में, अगर हम पैसे की बात करें तो उनको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? देखिए, शुरू में क्या है कि ये पौधे अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता लगाते हैं, तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है तो आपको क्या है कि यहाँ से फ्री में भी मिल जाता है, और कभी कभी क्या है कि आप 1 रुपया करके पौधा भी मिल जाता है, इसके पौधे जो है 1 रुपये करके मिल जाते हैं। एक बार आपने पौधे 10,000 पौधे एक हेक्टर में लगा लिए, उसके बाद जैसे ये बड़े होते हैं पौधे, तो उनके बगल से क्या है कि और भी पौधे निकलने लगते हैं, तो पौधे निकलने लगते हैं तो वो एक सोर्स हो जाता है आपके पास, और उसके बीज से एक ये निकलता है और उसमें भी फूल होते हैं, और फूल के साथ साथ उनमें बीज भी निकलने लगते हैं, तो बीज भी मिल जाता है और आपको पौधे भी मिल जाते हैं उसके बगल बगल में, तो उन पौधों को लेकर के आप फिर दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो एक बार पहली बार खाली आपको लगाना है, बाकी आपको पौधे हमेशा मिलते रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं थोड़ी सी उनको मार्केटिंग भी करनी हो सकती है, या उनको समझना चाहिए, आप समझा सकते हैं? बिल्कुल, इस सिलसिले में क्या है कि वो हमारे एम्प्री CSIR भोपाल, मैं डॉक्टर एडवर्ड पीटर्स हूँ, हमारे कलीग हैं डॉक्टर अशोकन पप्पू, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर अवनीश श्रीवास्तव साहब, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ब्रोचर दे देंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो कांटेक्ट करके क्या है कि हमारे यहाँ आ करके भी आप देख सकते हैं, तो हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, हम आपको इनकरेज करेंगे, कभी भी कहीं भी जरूरत हो हमारी मदद आपको पूरी रहेगी। देखा कि जेड़े किसान डिवर्सिफिकेशन वाल जाना चाहते हैं, उन्हां लई एक बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, उस दे विच ना सिर्फ किसान नूं फायदा होएगा, इस दे नाल नाल जेड़े पिंड दे विच बेरोजगार औरतां या होर की बंदे ने, उन्हां नूं भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। कैमरामैन निखिल दे नाल परमजीत सिंह रंगपुरी, डेली पोस्ट पंजाबी, फगवाड़ा।